कौन था वो धनुर्धर जिसके आगे भगवान श्री राम भी नतमस्तक हुए। बात उन दिनों की है जब भगवान श्री राम का अश्वमेध यज्ञ चल रहा था। श्री राम के अनुज शत्रुघ्न के नेतृत्व में असंख्य वीरों की सेना सारे प्रदेश को विजित करती रही। यज्ञ का अश्वमेध प्रदेश प्रदेश जा रहा था। इस क्रम में कई राजाओं के द्वारा यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया, लेकिन अयोध्या के सेना के आगे उन्हें झुकना पड़ा। शत्रुघ्न के अलावा सेना में हनुमान, सुग्रीव, भरत पुत्र पुष्पकल सहित कई महारथी उपस्थित थे, जिन्हें जितना देवताओं के लिए भी असंभव नहीं था। कई जगह भ्रमण करने के बाद यज्ञ का घोड़ा देवपुर पहुंचा, जहां राजा वीरमणि का राज्य था। राजा वीरमणि अति धर्मनिष्ठ तथा श्री राम एवं महादेव के अनन्य भक्त थे। उनके दो पुत्र थे, रुकुमांद और शुभांगद वीरों में श्रेष्ठ थे। राजा वीरमणि के भाई वीर सिंह भी एक महारथी थे। राजा वीरमणि ने भगवान शंकर के तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया था और महादेव ने उन्हें उनकी और उनके पूरे राज्य की रक्षा का वरदान दिया था। महादेव के द्वारा रक्षित होने के कारण कोई भी उन्हें राज्य पर आक्रमण करने का साहस नहीं करता था। जब अश्व उनके राज्य में पहुंचा तो राजा वीरमणि के पुत्र रूपमांग ने उसे बंदी बना लिया और अयोध्या के सैनिकों के कहा कि यज्ञ का घोड़ा उनके पास है, इसलिए वे जाकर शत्रुघ्न से कहे कि विधिवत युद्ध कर वो अपना अश्व को छुड़ा ले। जब रुक्त मांगद ने यह सूचना अपने पिता को दी तो वो बड़े चिंतित हुए और अपने पुत्र से कहा कि अनजाने में तुमने श्री राम के यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया है। श्री राम हमारे मित्र हैं और उनसे शत्रुता करने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए तुम यज्ञ का घोड़ा वापस लौटा दो। इस पर रुकमांग ने कहा कि हे पिताश्री, मैंने तो उन्हें युद्ध के चुनौती भी दे दी है, अतः अब उन्हें बिना युद्ध के अश्व लौटाना हमारा और उनका दोनों का अपमान होगा। अब जो होगा उसे बदला नहीं जा सकता है, इसलिए आप मुझे युद्ध के आज्ञा दे। पुत्र की बात सुनकर वीरमणि ने उन्हें सेना सुसज्जित करने की आज्ञा दी। राजा वीरमणि अपने भाई वीर सिंह और अपने पुत्र रुकमांग और शुभांगद के साथ विशाल सेना लेकर युद्ध क्षेत्र में आ गए। इधर जब शत्रुघ्न को सूचना मिली कि उनके यज्ञ का घोड़ा बंदी बना लिया गया है तो बहुत क्रोधित हुए एवं अपनी पूरा सेना के साथ युद्ध के लिए युद्ध क्षेत्र में आ गए। उन्होंने पूछा कि उनकी सेना से कौन अश्व को छुड़ाएगा तो भरत पुत्र पुष्पकल ने कहा कि तात्श्री, आप चिंता न करें, आपके आशीर्वाद और श्री राम के प्रताप से मैं आज ही इन सभी योद्धाओं को मारकर अश्व को मुक्त कराता हूँ। वे दोनों इस प्रकार बात कर रहे थे कि पवन सुत हनुमान ने कहा कि वीरमणि के राज्य पर आक्रमण करना स्वयं परम पिता ब्रह्मा के लिए भी कठिन है, क्योंकि यह नगरी महाकाल द्वारा रक्षित है। उचित यही होगा कि पहले हमें बातचीत द्वारा राजा वीरमणि को समझाना चाहिए और अगर हम न समझा पाए तो हमें श्रीराम को सूचित करना चाहिए। राजा वीरमणि श्रीराम को बहुत आदर करते हैं, इसलिए वे उनकी बात नहीं टाल पाएंगे। हनुमान की बात सुनकर शत्रुघ्न बोले, हमारे रहते अगर श्री राम को युद्ध भूमि में आना पड़े लज्जा की बात है, अब जो भी होगा हमें युद्ध करना ही पड़ेगा। यह कहकर वे सेना सहित युद्ध भूमि में पहुंच गए। दोनों तरफ से भयंकर युद्ध छिड़ गया। भरत पुत्र पुष्पकल सीधा जाकर राजा मणि से भिड़ गया। दोनों अतुलनीय वीर थे, वे दोनों तरह तरह के शस्त्रों का प्रयोग करते रहे और युद्ध में लगातार युद्ध होता रहा। भरत पुत्र पुष्पकल और वीरमणि में बड़ा घमासान युद्ध हुआ। अंत में पुष्पकल ने वीरमणि को घायल कर दिया। इस बार राजा वीरमणि सह नहीं पाए और मूर्छित होकर अपने रथ पर गिर पड़े। वीर सिंह ने हनुमान पर कई अस्त्रों का प्रयोग किए पर उन्हें कोई हानि न पहुंचा सके। हनुमान ने एक विकट पेड़ से वीर सिंह पर वार किया, इसे वीर सिंह रथवान करते हुए मूर्छित हो गए। इधर
शत्रुघ्न और राजा वीरमणि के पुत्र में असाधारण रूप चल रहा था। अंत में कोई चारा न चला देख शत्रुघ्न ने दोनों भाइयों को नाग फांस से बांध दिया। अपनी विजय देखकर शत्रुघ्न की सेना में जयकार होने लगी। इधर राजा वीरमणि के मूर्छा दूर हुई तो उन्होंने देखा कि उनकी सेना हार चुकी है। यह देखकर उन्होंने भगवान रुद्र महादेव शंकर को स्मरण किया। महादेव ने देखा कि वीरमणि की सेना बड़े कष्ट में है तो वे स्वयं युद्धभूमि के क्षेत्र में प्रकट हुए। इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए परम पिता ब्रह्मा सहित सारे देवता आकाश में स्थित हो गए। जब महाकाल से युद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया तो उनके तेज से श्री राम की सारी सेना मूर्छित हो गई। जब श्री राम ने देखा कि स्वयं महादेव रणभूमि में आए हैं तो उन्होंने शस्त्र को त्याग कर भगवान रुद्र को दंडवत प्रणाम किए एवं उनकी स्तुति की। उन्होंने महाकाल के स्तुति करते हुए कहा कि हे सारे ब्रह्मांड के स्वामी, आपके ही प्रताप से मैंने महाप्रकर्मी रावण का वध किया। आप स्वयं ज्योतिर्लिंग में रामेश्वर में पधारे हैं। हमारा जो भी बल है वो भी आपके आशीर्वाद के फल स्वरूप ही है। यह जो अश्वमेध यज्ञ मैंने किया है वह भी आपके इच्छा से ही हो रही है, इसलिए हम पर कृपया करें और इस युद्ध का अंत करें। दोस्तों, ये कथा कैसा लगा कमेंट में बताएं और पसंद आए तो लाइक करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।